इंस्टाग्राम अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला और एक पॉपुलर ऐप है, तो इसलिए हम आज इंस्टाग्राम टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं कि कैसे अपने इंस्टाग्राम आईडी को प्रोफेशनल लुक दे सकते हो। जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह हो गया फर्स्ट वाला जो कि अभी सभी इंस्टाग्राम यूजर के पास दिया जाता है कुछ इस तरह का प्रोफाइल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो आप इसको चेंज करके कुछ इस तरह का कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे अपने इंस्टाग्राम आईडी को प्रोफेशनल तरीके से बदल सकते हो। सो गाइस, मेरा नाम है जुलुम और आप देख रहे हो टेक्निकल अपडेट चैनल को। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं ताकि आप भी अपने इंस्टाग्राम आईडी को प्रोफेशनल लुक दे पाएँ। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंस्टाग्राम आईडी दिखा देता हूँ कि इसका लुक आपको अभी कैसा देखने में लगता है। तो अभी मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी पा चुका हूँ, तो अभी देखते हैं इसका जो प्रोफाइल अभी है बॉर्डर कुछ इस तरह से सिंपल सा है जो कि सभी इंस्टाग्राम यूजर के पास दिया गया है। तो आप इसको चेंज करके कुछ इस तरह कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको सिंपली बैक जाना है। सो गाइस, बैक जाने के बाद आपको सिंपल से प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है क्या, प्रोफाइल पिक्चर डाउनलोड फ्रॉम इंस्टाग्राम। आपको इतना सर्च करने के बाद आपको देखते हैं यहाँ पर चार पांच आपको एप्लीकेशन दिखेगा। तो आपको जो पांचवें नंबर पर एप्लीकेशन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर कर देना है क्लिक। सो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का दिख जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसको अपने फ़ोन में आपको इंस्टॉल कर लेना है, जो कि मैंने पहले से इसको इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। सो गाइस, ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक परमिशन को अलाउ करने के लिए बोलेगा, तो आप परमिशन को सिंपली अलाउ कर दीजिएगा। तो अभी देखते हैं यहाँ पर अभी कुछ इस तरह से मुझे ओपन हो चुका है, जो कि यहाँ पर देखते हैं बहुत सारा आपको बॉर्डर दिख जाएगा जो कि अपने इंस्टाग्राम आईडी पर लगा के इसको प्रोफेशनल देखने में बदल सकते हो। यहाँ से आपको देखते हैं बेसिक, गोल्ड, नेचुरल, यहाँ से टेक्स्ट बहुत सारा जो होता है जो कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है सभी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कोई एक को पहले करता हूँ सिलेक्ट, जैसे कि मैं यहाँ से एक करता हूँ सिलेक्ट। तो अगर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ देखते हैं ऐड फोटो का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको सिंपली ऐड फोटो कर लेना है इसमें। तो यहाँ से आपको गैलरी ओपन होगा, इसलिए आपको परमिशन को अलाउ करना होगा। तो यहाँ से मैं आपको परमिशन को अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको कोई एक पिक्चर को करना है सिलेक्ट इसमें। यहाँ से मैं एक पिक्चर को कर लूँगा सिलेक्ट। तो सिलेक्ट करने के बाद इसको देखते हैं, अभी आपको जूम करके इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हो, या तो आपको देखते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारा दिख जाएगा, आप इसमें चेंज इसको भी कर सकते हो। तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है क्यू क्लिक। सो गाइस, क्लिक करने के बाद इसको कर देना है क्लोज ऐड को। तो अभी देखते हैं मेरा सेव हो चुका है, तो मैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पर चल जाता हूँ। तो अभी मैं आ चुके हैं अपने इंस्टाग्राम आईडी पर, तो यहाँ से मैं अपने एडिट प्रोफाइल पर चल जाता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको चेंज करके कि इसका लुक कैसे बदलता है। तो यहाँ से मैं चेंज प्रोफाइल पर क्लिक कर दूँगा, इसके बाद यहाँ से आपको देखते हैं न्यू प्रोफाइल फोटो का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर कर देना है क्लिक। सो गाइस, क्लिक करने के बाद जो मैंने अभी बॉर्डर वाला फोटो क्रिएट किया था वो मेरे सामने आ चुका है। तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा सेव इस पर। तो देखते हैं यहाँ से कर दूंगा सेव कुछ इस तरह से, यहाँ से कर देंगे इसको डन। तो गाइस, अभी देखते हैं थोड़ा लोडिंग लेगा, तो आपको दिखाता हूँ इसका चेंज होने के बाद इसका लुक कैसे बदलता है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल जो है पूरा चेंज हो चुका है, मेरा पूरा बॉर्डर बदल चुका है मेरा प्रोफाइल का। तो आप भी इसी तरह से अपने इंस्टाग्राम आईडी पर बॉर्डर को चेंज कर सकते हो। तो गाइस, आशा करता हूँ छोटा सा इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे भी इसी रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।